नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। चलिए राजस्थान की आज की ताजा खबरें जान लेते हैं। और दोस्तों, आप राजस्थान समाचार पे नए आए तो उस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम जरूर लिखिए। राजस्थान में 3 लाख किसानों को होगा फायदा। यहां दोस्तों, गहलोत सरकार अब सचेत हो गई है। कांग्रेस सरकार अब सचेत होने वाली है, क्योंकि 5 ही राज्यों में उसके सूपड़े साफ हो गए हैं। और 2023 में राजस्थान में भी चुनाव है। वह नहीं चाहते हैं कि इन 5 राज्यों की तरह राजस्थान का भी हाल हो। इस चुनाव के नतीजों को देखते हुए सरकार अब किसानों के कर्ज माफी जैसा बड़ा कदम उठाने जा रही है। वहीं सहकारी क्षेत्र के किसानों का 14,000 करोड़ का कर्ज माफ करने के बाद अब राजस्थान सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के कर्ज से दबे किसानों को राहत देने की तैयारी में है। इसके तहत सरकार ने बैंकों को प्रस्ताव भी दिया है कि वह किसानों के लिए एक मुस्तैद समाधान जैसी योजनाएं लाएं। हाल ही में राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक और नाबार्ड के राज्य स्तरीय कर्ज सेमिनार के बाद मुख्यमंत्री ने यह प्रस्ताव भेज दिया है और जल्द ही किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से राजस्थान में बढ़ेगी महंगाई। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का राजस्थान के लोगों की जेब पर भी असर पड़ने लगे हैं। पेट्रोल और डीजल के साथ सोना, कोयला और बिजली भी महंगे हो गए हैं। युद्ध का भारत समेत राजस्थान में असर दिखने शुरू भी हो गए हैं। हाल ही में 1 मार्च 2022 से पेट्रोलियम कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के भाव में 105 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। जयपुर में कमर्शियल सिलेंडर 2,026 रुपए में बिक रहा है, जबकि घरेलू गैस सिलेंडर के भाव फिलहाल 903 रुपए चल रहे हैं, जिसमे 300 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं कार्तिक गौड़ ने बताया कि पेट्रोल और डीजल के दोनों के ही भाव में 20 से 25 रुपए लीटर तक बढ़ोतरी की संभावना है, जिसे लोग व्यापारी और पेट्रोलियम कंपनियों में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। हर युवा को 4,000 रुपए देगी मोदी सरकार। पीएम नरेंद्र मोदी की फोटो लगे एक पत्र में इस योजना के बारे में बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री रामबाणी सुरक्षा योजना के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इस योजना के अंतर्गत सभी युवाओं को 4,000 रुपए की मदद मिलेगी। रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक भी भेजे जा रहे हैं। अगर ऐसा कोई मैसेज आपको मिले या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आपको कोई भी ऐसा बोलता है तो सावधान हो जाए। साइबर ठगों की नजर आपकी जमा पूंजी पर है। लिंक पर क्लिक करते ही आपके खाते में जो भी पैसा है गायब हो जाएंगे। या दोस्तों, अगर आपको कोई बोले कि आपको 4,000 रुपए मिल रहे हैं तो आपको उनकी बातों में नहीं आना है। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। मुखबिर योजना में 3 लाख का इनाम। राज्य सरकार ने भ्रूण लिंग जांच को रोकने के लिए मुखबिर योजना के तहत 3 लाख की इनामी राशि की घोषणा की है। CMHO डॉक्टर कुणाल साहू ने बताया कि PCDNDT अधिनियम को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए राज्य में मुखबिर योजनाएं चलाई जा रही है। भ्रूण लिंग जांच करने वाले केंद्रों या व्यक्तियों को सही जानकारी देने पर मुखबिर योजना के तहत कुल 3 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। समाज को बेटी बचाने के लिए जागरूक करना और गर्भाधारण से पहले और डिलीवरी से पहले निदान तकनीकी के गलत इस्तेमाल को रोकना है। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। राजस्थान में भी शराब पर लगेगा प्रतिबंध। बिहार की तर्ज पर राजस्थान में भी पूर्ण शराबबंदी लागू हो सकती है। शराबबंदी का आकलन करने के लिए सोमवार को राजस्थान से 5 सदस्यीय टीम पटना से पहुंची है। इस टीम का नेतृत्व पूजा भारती छाबड़ा कर रही है। पूजा शराब के खिलाफ राजस्थान समेत पूरे देश में वर्षों से अभियान चलाती आ रही है। पूजा ने बताया है कि पूर्ण शराबबंदी कानून से बिहार के लोगों को जितना फायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ, इसका मूल्यांकन किया जाएगा। साथ ही उनकी टीम इस बात का भी पता लगाएगी कि शराबबंदी कानून लागू होने से बिहार को राजस्व कितना नुकसान हुआ है और इस नुकसान के बावजूद भी राज्य में बीते वर्ष कितना विकास हुआ है। अगर ये सही साबित हुआ तो राजस्थान में भी शराबबंदी हो सकती है। दोस्तों, ये थी राजस्थान की आज की ताजा खबरें। ऐसी ही खबरें जानने के लिए अभी करें राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।